कि दुर्गेश पाठक जो है आम आदमी पार्टी से कैसा काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा? काम अच्छा है, लेकिन कुछ जगह काम मतलब कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, फॉलो अप करते रहो उसके बाद। अच्छा। फिर वो जाके काम तो पूरा होता है, बोलते रहो तब जाके पूरा हो रहा है। क्या काम किया उन्होंने? सब कुछ बढ़िया है और सब बढ़िया कर रहे हैं। और 10 साल में कितना विकास दिखा आपको? विकास तो बहुत काफी किया है इन्होंने, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। आजकल पार्क वार्क में बड़ी सुविधा कर दी है। अच्छा। जिम में लगा दिया इन्होंने पार्क में। घोटाला अच्छा। तो शराब घोटाला ही नहीं, नहीं। हाँ। अगर होता तो कोई ना कोई प्रूफ मिलता। वो तो लोगों को जेल में गए, वो तो जेल में तो आपको पता है क्यों गए, बट वो तो कोई प्रूफ तो आज तक नहीं हुआ। असल में लोगों को वो मॉडल समझ में नहीं आया कि वो शराब घोटाला नहीं है, वो तो इन्होंने बल्कि ठेके कम करे। अच्छा। और लोगों को सब्सिडाइज रेट पे वो अल्कोहल प्रोवाइड करवाया, वो लोगों को समझ ही नहीं आया। बड़के बड़के बनवाई है? बन रही है, अभी तो काम चल रहा है। वो लाइट यहाँ पर जाती है? नहीं, लाइट तो आज ही जा रही है, 2-3 बार गई है लाइट। आज 2-3 बार गई। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 24 घंटे लाइट देंगे दिल्ली, वो तो आ ही रही है। 24 घंटे को लाइट आई, झाग वाला नहीं आ रहा बिल्कुल, ऐसा पानी गंदा बिल्कुल लैटिंग वाला। अच्छा। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी तो कहते हैं कि साफ पानी पहुँचा रहे हैं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर विधानसभा में। यहाँ से जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि कितना काम जो है यहाँ के विधायक ने किया है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे विधायक जो है अपनी अपनी विधानसभाओं में पूरी तरीके से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वहाँ पर जो भी समस्या है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 3-4 महीने के वक्त के अंदर दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दिल्ली के मन में क्या है, इस बार कौन सी पार्टी को दिल्ली की जनता पसंद कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी को ही चाहती है कि रिपीट करे? और लगातार देखिए दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से जो है वो आम आदमी पार्टी काबिज है, तो 10 साल में उन्हें कैसा काम लगा है आम आदमी पार्टी का ये भी जानने की कोशिश करेंगे और फ्री की सुविधाएं भी कैसी लग गई ये भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, यहीं पर रहने वाले? हाँ जी। कितने समय से रह रहे हैं? ये बताइए कि दुर्गेश पाठक जो है आम आदमी पार्टी से कैसा काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा? काम अच्छा है, लेकिन कुछ जगह काम मतलब कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, फॉलो अप करते रहो उसके बाद। अच्छा। फिर वो जाके काम तो पूरा होता है, बोलते रहो तब जाके पूरा होता है। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे कि दिल्ली आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली मॉडल बन रही है, दिल्ली साफ सुथरी हो रही है, आप क्या सोचते हैं कि वाकई में दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है? नहीं देखो, चमक रहा है वो तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट तो है। अगर आप लोकल उन चीज़ों में देखो, जो स्कूल का हो गया या हॉस्पिटल का हो गया या इवन जो भी फैसिलिटी दे रही है और जो कमिटमेंट वो कर रही है वो पूरा तो कर रही है धीरे धीरे। अच्छा। 10 साल कैसे रहे दिल्ली वाले? 10 साल मैं कह रहा हूँ अच्छे रहे। अच्छे रहे। हाँ, मतलब इस बार भी चांस उन्हीं का और आना ही चाहिए उनको। हाँ। वही है कि जो कमिटमेंट करे वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। हाँ, मतलब भाई अगर जो उनको कंप्लेंट दिखा दी, 2-3-4 वाली दिखा दी, तो उसके बाद अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया खुद आके कि भी ये हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं हो रहा वो गलत है, उसके लिए फिर वापस फॉलो अप करो तब जाके वो होता है। पानी की कैसी यहाँ पर, जैसे अभी दिल्ली में पानी की किल्लत हुई थी, इधर भी होती है? नहीं, ऐसा पानी की दिक्कत नहीं थी ना, पानी ठीक है, पानी की कोई कम्प्लेन नहीं। बाकी सड़कें वड़के कैसी? सड़कें ठीक है, एक सड़क यहाँ काफी टाइम से प्रॉब्लम था, वो बहुत टाइम बाद अभी शुरू हो गया, शायद अभी 10-15 दिन में बन भी जाए। अच्छा, फ्री की सुविधाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ्री बिजली पानी? नहीं नहीं, फ्री के असल में ये बोलना ही गलत है, सारी पार्टी सब कोई ना कोई फैसिलिटी देती है, कोई कॉर्पोरेट को देता है, कोई ये ज्यादा पब्लिक को देती है, बस ये लोगों को फ्री लगता है, बट सारी स्टेट में देखो कोई ना कोई कोई किसानों को दे रहा है, कोई कॉर्पोरेट को दे रहा है, तो ये तो हर स्टेट का मॉडल है। पहले सिर्फ जरूरतमंदों को दिया जाता था ना, अब तो यहाँ पर जैसे अरविंद केजरीवाल ने फ्री भी ज्यादा स्टार्ट कर दी है, ये तो बिजली पानी ये सब फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को टिकट भी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा भी फ्री है ना, ये तो बहुत बढ़िया, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं फ्री पर जाती है? ये बात फ्री की नहीं है, ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अभी इतना टैक्स आ रहा है तो वो
आप कोई भी आम आदमी पार्टी आम आदमी को देख लो, वो जो भी सामान ले रहे हैं टैक्स वो दे ही रहे हैं, तो ये छोटी फैसिलिटी अगर मिले तो इसमें बुराई नहीं है। अच्छा, दिल्ली मॉडल बन रही है? मॉडल बन रही है, बट थोड़ा सा अभी कमिटमेंट इनको और पूरा करना पड़ेगा। जैसे अब MCD भी इनके पास है, लेकिन MCD में अब आप देखो मॉर्निंग में 10 बजे तक सफाई करके वो छुट्टी हो जाती है। अच्छा। जबकि आप बाहर की कंट्री में देखो तो जो सफाई वाला है उसकी ड्यूटी अगर 8 बजे की। पार्टी वाले तो लड़ते थे कि भैया MCD जो है वो भाजपा अपने अंडर से लेके हमारे अंडर डाल दीजिए, अब उसके बाद भी काम ऐसा हो रहा है? काम MCD वाले सब सफाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी 10 बजे छुट्टी हो जाती है। हाँ। अगर वही 8 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी करे और उसकी जिम्मेदारी हो कि भी उसका जो एरिया में जो चीजें हैं वो नीट एंड क्लीन रहे। हाँ। और जो गंदगी करे तो MCD वाला उस पर्टिकुलर आदमी को या उसको वो पनिश करे। हाँ। ताकि गंदगी ना हो। यहाँ जितने लोग आते हैं वो टाइम पे काम करते हैं, लेकिन वो ये ना शाम की ही नहीं, हाँ वो तो सुबह पूरी दिल्ली में यही है, पूरी दिल्ली में ही 10 बजे तो वो फ्री हो जाते हैं। मेरा वो ये कि इनको भी फुल टाइम जॉब देनी चाहिए और ये शाम तक रहे, ताकि ये भी ध्यान रहे कि भाई कहीं पर कोई गंदगी ना, और जो करे उसको तुरंत पकड़े। बढ़िया काम किया उन्होंने, सब कुछ बढ़िया है और सब बढ़िया कर रहे हैं। और 10 साल में कितना विकास दिखा आपको? विकास तो बहुत काफी किया है इन्होंने, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं आजकल। पार्क वार्क में बड़ी सुविधा कर दी है। अच्छा। जिम लगा दी है इन्होंने पार्क में। आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, शराब घोटाला किया है, तमाम आरोप लगते हैं। दिल्ली की जनता क्या सोचती है? नहीं सर, घोटाले सभी में कर रहे हैं, नेता बता नहीं रहा, BJP वाले भी करते हैं। शराब घोटाला ही नहीं, अगर होता तो कोई ना कोई प्रूफ मिलता। वो तो जेल में गए, वो तो जेल में, वो तो आपको पता है क्यों गए। हाँ। बट वो तो कोई प्रूफ तो आज तक नहीं हुआ। असल में लोगों को मॉडल समझ में नहीं आया कि वो शराब घोटाला नहीं है, वो तो इन्होंने बल्कि ठेके कम करे। अच्छा। और लोगों को सब्सिडाइज रेट पे वो अल्कोहल प्रोवाइड करवाया, वो लोगों को समझ ही नहीं आया। तो आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के काम कैसे लग रहे हैं? मैडम क्या बता सकते हैं, सही लग रहा है सब। पढ़ के बनवाई बन रही है, अभी तो काम चल रहा है। अब लाइट यहाँ पर जाती है या नहीं? लाइट तो आज ही जा रही है, 2-3 बार गई है लाइट आज। 2-3 बार गई है। और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 24 घंटे लाइट देंगे दिल्ली, वो तो आ ही रही है, 24 घंटे तो लाइट आ ही रही है। पानी वानी कैसा आता है? पानी थोड़ा गंदा ही आता है इसमें। जैसे आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर के घोटालेबाज है, शराब घोटाला किया है, दिल्ली की जनता। मैडम ये तो देखो, अब इस चीज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो यही अंदरूनी काम तो यही जान सकते हैं। आपको क्या लगता है, कट्टर ईमानदार है पार्टी? इस चीज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कट्टर ईमानदार है, क्या लगता है ईमानदार बची है या फिर बेईमान हो गई है? देखो इतना तो मैं कभी डीप में गया नहीं और ना ही मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। ओवरऑल मेरे को पता है कि जो ये फैसिलिटी दे रही है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, एक गरीब आदमी को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आप धीरे धीरे देखोगे हर स्टेट वाले यही कर रहे हैं, इसी मॉडल को वो लोग अपना रहे हैं, तो ये होना चाहिए, ठीक है, और इसको दोबारा आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? दोबारा आना चाहिए। पर भाजपा वाले कहते हैं कि हम आएंगे, वो देखो मशीनों में गड़बड़ कर रहे हैं तो आ जाए। क्या कह रहे हैं? आप आएंगे क्या भाजपा वाले? आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। जमुना पानी कैसा है? पानी तो झाग वाला आ रहा है ना? झाग वाला नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा पानी गंदा, बिल्कुल ब्लैकिंग वाला। अच्छा, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी तो कहते हैं कि साफ पानी पहुंचा रहे हैं। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैं अपने एरिया की बात कर सकता हूं। और आम आदमी पार्टी का तो पता ही है, दिल्ली में है, दिल्ली साफ सुथरी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, अभी तो कोई वो गड्ढे वड्ढे भरे जा रहे हैं और ठेगड़ी वेगड़ी ले रहे नहीं है, तो कई सड़कें, हाँ कई सड़कें जो खराब पड़ी है। और वो कहते हैं दिल्ली चमक रही है, दिल्ली मॉडल बन रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आएगी, रिपीट होगा? नहीं, रिपीट का तो ये तो अपने अपने मत है, ये तो मत अनुसार काम करा जाएगा। अब आपका आपका मत कुछ और है, मेरा कुछ और है, काम के आधार पे। कितना काम हुआ है स्टार्टिंग में? काम हुए हैं। हाँ। बाकी अब कुछ ऐसे ही मामला डामाडोल है। अच्छा। कोई गौर तो कर नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं आपस में। केजरीवाल कहते हैं कि कट्टर ईमानदार है। देखिए ये तो मसले जो है ये कोर्ट के बारे में होते हैं,
हम आम जनता के बारे में क्या कहें? आम जनता क्या सोचती है, कट्टर ईमानदार है पार्टी या बेईमान है पार्टी? नहीं, इसका तो फैसला कोर्ट ही कर सकती है ना। अच्छा। हाँ, जो इल्जाम किसी के ऊपर लगाया जाता है तो उसका तो कोर्ट ही कर सकती है। आम जनता क्या, आम जनता क्या कर सकती है? हाँ जी, भाजपा कैसी लगती है? भाजपा केंद्र में है, अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? सेंट्रल ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो विदेशों में नाम हो रहा है वो बिना वजह तो हो नहीं रहा है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ। क्या चाहते हैं, भाजपा दिल्ली में आ जाए? ये तो मैंने कहा ना, अपना अपना मत है। आपका क्या मत है? मैं तो चाहूंगा हाँ, दिल्ली में भाजपा है विधानसभा में। लग रहा मोदी जी विकास कर पाएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? केजरीवाल से ज्यादा या कम? शायद हो सकता है केजरीवाल से ज्यादा करें। अच्छा, शीला दीक्षित का टाइम देखा था आपने? हाँ जी, देखा था। कैसा था? ठीक था। वो भी किसका बेहतर है, अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित? शीला दीक्षित का बेहतर था उसका। शीला दीक्षित का बेहतर। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब मिल रहा है आपको? देखिए, ये तो सोच की बात है अपनी। हाँ। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, सोच नहीं, सुविधा मिलती है। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं सरकार से तो उसका भुगतान कर रहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद थी मैं, दुर्गेश पाठक की विधानसभा लगती है और यहाँ की जनता कह रही है कि उन्होंने कुछ काम किए भी अच्छे हैं, कुछ काम जो है वो जनता के समझ से परे। पर आने वाले समय में जनता ये भी चाहती है कि भाई बदलाव भी होना चाहिए, कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था दिल्ली में, जो पानी की किल्लत हमेशा से रही है वो पानी की किल्लत अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के आने पर भी रही हो, और अब इस तरीके की किल्लत है कि जो लोगों को है वो गटर जैसा पानी पीने के लिए नसीब हो रहा है। पर आने वाले समय में अगर कोई भी पार्टी आती है, या अरविंद केजरीवाल हो गए या कोई भी पार्टी आती है, तो पानी पर कितना काम होगा, पानी दिल्ली वालों को साफ सुथरा मिलेगा या नहीं, या जिस तरीके से लगातार कुछ भी गड़बड़ होती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है या पाइपलाइन फट जाती है, उसके बाद जो समस्या होती है वो पानी की दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है, तो क्या उस पर रोक लगेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार।